फ्रेंड्स, वेलकम टू केटीवीटी व्लॉग्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं, मतलब मैं जा रही हूँ मेन, मेरा मूड बन गया था कि क्यों ना हम लोग चलते हैं कहीं घूमने के लिए आसपास ही। हस्बैंड की यहाँ पे मीटिंग थी पास में, तो जैसे अल्मोड़ा में मैं करती थी क्योंकि कहीं मीटिंग होती थी तो मैं भी साथ में चली जाती थी। तो बच्चों का एक्चुअली कल एग्जाम है तो उनकी पढ़ाई वैसे डन करा चुकी हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई रहेगी तो वो कर लेंगे घर पे अपने आप। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं रॉबर्ट्स केव की तरफ। तो वो देहरादून की मतलब बहुत पॉपुलर जगह है, दिल्ली से जो भी घूमने वगैरह आते हैं लोग वो वहाँ जरूर जाते हैं। तो अभी थोड़ी देर में वहाँ पहुंचेंगे, इनकी मीटिंग है तो ये पहले अपनी मीटिंग अटेंड कर लेंगे और थोड़ा सा मैं भी वहाँ की जगह देख लूंगी कैसी है वो। ये आ गया हमारा, लिखा है पर्यटक स्थल गुच्चू पानी रॉबर्ट्स केव पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो मेरे व्लॉग के जरिए आप लोगों का भी स्वागत है। पहुंच गए हैं गुपचुप पानी और रोवर केव जो बुलाते हैं इसको। तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ सारे ऐसे गुफा सी बनी है, पानी पानी पूरा हर जगह दिखाई देता है। कितना सुंदर व्यू है ना पीछे का सारा। तो अभी हम एंट्री देखते हैं करते हैं कि नहीं, क्योंकि अंदर तो पानी होता है, पानी में चल के जाना होता है। तो फिलहाल इस मौसम में तो नहीं जाएंगे, लेकिन अंदर जाके देख सकते हैं कि बना कैसा हुआ है। वो कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, रियलिटी में तो और भी प्यारा है। वहाँ पर आपको स्लीपर्स वगैरह भी रेंट पे मिलती हैं पानी में जाने के लिए। ये देखिए कितनी रंग बिरंगी चप्पलें रखी हुई हैं, और ये थोड़ी बहुत यहाँ शॉप्स भी हैं। तो ये रही हमारी एंट्री, यहाँ से हमें एंटर करना है। डेविल माउथ लग रहा है। ये बहता हुआ पानी कितना खूबसूरत लग रहा है। ये है पूरा झरना सा आता है ऊपर से नीचे, अंदर तो हम जाएंगे नहीं जहाँ से झरना दिखता है आते हुए। छोटा सा ये पुल सा बना रखा है, उस तरफ सारा एरिया बना रखा है बच्चों के लिए घूमने फिरने के, झूले वगैरह का। पहले से बहुत अलग हो गया, हम पहले आए थे बहुत टाइम पहले, बहुत चेंज हो गया है। ये येलो कलर के फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना प्यारा कलर है इन फ्लावर्स का ना। ये देखिए यहाँ कितने सारे लोगों में हिम्मत है, ये अभी भी केव में गए हैं इतने पानी में। इतना ठंडा पानी है, ये हवा इतनी ठंडी चल रही है, लोगों में बहुत हिम्मत है, वो फिर भी इस केव के अंदर इतने ठंड में भी जा रहे हैं पानी में। स्टेयर्स हैं, इससे जाएंगे हम वहाँ पे, फिर जाते जाते ये हमारी उधर की तरफ आ जाएगी गुफा। लेकिन आपको गुफा दिख रही होगी, बहुत सारे लोग आए हैं एक्चुअली ना, इसलिए लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, गुफा कम दिख रही है। तो यहाँ से रास्ता जा रहा है, लेकिन हम लोग एक्चुअली नहीं जाने वाले क्योंकि पानी बहुत ठंडा है और पता ही है बीमार पड़ गए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मज़े मारना एक अलग बात है, इन्जॉय करना एक अलग चीज़ है कि इन लोगों को मज़ा आ रहा है ठीक है, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकती बीमार होने का बच्चों के साथ, तो इसलिए नहीं जा रही हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम बच्चों को जब लेके आऊँगी ना, ऐसे टाइम में लेके आऊँगी कि बच्चे भी अंदर जा सके और मैं भी। अभी लोग गुफा में से बस निकले ही जा रहे हैं, निकले ही जा रहे हैं, इतने लोग गए हुए थे, बहुत अंधेरा है। बड़े स्टोन है यहाँ पे, अभी निकले रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बने हुए हैं, तो आप लोग अगर कुछ खाना पीना हो तो उसके लिए भी यहाँ पूरा अच्छा खासा बना हुआ है एरिया। वापस जा रहे हैं, गुफा वैसे अंदर बहुत ज़्यादा गहरी है, काफ़ी अंदर तक जाके है, पानी भी बहुत है उसमें। तो अभी फिलहाल भीगने के डर के बारे में नहीं गए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। अगली बार जब भी बच्चों को लेके आएंगे तब अंदर तक पूरा जाएंगे, और ऐसे वेदर में आना चाहिए, यहाँ पे आना वैसे तभी सही है जब वेदर थोड़ा ठीक ठाक हो, ठंडा भी ना हो बहुत गर्म भी ना हो। आसपास का एरिया सारा बिल्कुल ऐसे लगता है जंगल है ही, वैसे तो जंगल ही है, पहाड़ है, पहाड़ के बीच में है ये जगह। यहाँ पे देखिए पानी कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, आए कितनी प्यारी है छोटी छोटी सी बर्ड, हाँ पेयर है ये बैठी, एक चिड़िया यहाँ बैठी छोटी सी और उसकी दूसरी फ्रेंड वहाँ बैठी हुई है। पानी की आवाज़ सुनने में कितनी सूदिंग सी फील होती है। तो चुके हैं यहाँ से, बहुत सुंदर सा बना रखा है, जब हम पहले आए थे तो फेस वगैरह ये एरिया नहीं बना हुआ था, यहाँ स्टैचूज भी लगा रखे हैं पिक्चर वगैरह क्लिक कराने के लिए। और बाकी यहाँ लिख रखा है वेलकम टू गुच्चू पानी,
रॉबर्ट्स केव और बाकी ये यहाँ के खूबसूरत सा एरिया, परफेक्ट फिल्मी लोकेशन टाइप एरिया है। और कितना सुंदर लग रहा है पानी बहते हुए। पूरा पार्किंग एरिया है, आपको पार्किंग दी हुई है, अंदर आके आप कार पार्क कर सकते हो और 40 रुपीज़ आपके चार्जेस हैं कार पार्क करने के। लेकिन नहीं यार, इन्होंने ये बीच में गड्ढे से बना रखे हैं, ये काफ़ी रिस्की है कि अगर टायर इसमें चला जाए ना तो गाड़ी निकालना बड़ा दिक्कत हो जाएगी कार में। और बाकी अंदर एंट्री की आपकी जो यहाँ पे एंट्री है वो आपकी है 35 रुपीज़ पर हेड। तो अभी तो खाली हम दोनों आए थे, तो नेक्स्ट टाइम बच्चों के साथ आएंगे, पता चलेगा उस टाइम क्या चार्ज है। अभी तो फिलहाल 35 रुपीज़ में आप यहाँ आके घूम सकते हैं, पानी देख सकते हैं, नेचुरल मतलब नेचुरल केव है कि इसमें इंसानों द्वारा कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, ऐसी ही बनी हुई थी, अपने नेचुरली बनी है। और पानी तो बस मतलब जिसको शौक हो ना पानी में जाने का, भीगने का, इस तरह की नेचुरल जगह देखने का, तो यहाँ मस्ट विजिट है, आना चाहिए ज़रूर। तो नेक्स्ट टाइम अंदर भी जाएंगे। फिर घर पहुँच चुके हैं, तो हमने बच्चों को बताया हम कहाँ गए थे, क्योंकि वंश जो है वो बोल रहा था, मैंने फोन भी किया ना घर पे, तो वंशु कह रहा कि आप लोग कहाँ गए थे। तो वंशु हम लोग गए थे गुच्चू पानी रॉबर्स केव कहते हैं उसको। मैंने कॉल किया था, भैया ने उठाया था। अच्छा। तो भैया को बताया था मैंने कि वहाँ पे है, तो वहाँ पे पता है काफी वंशु पानी पानी है सिर्फ, और कुछ नहीं है, पहाड़ है, पानी है, नदी सी बह रही है, ऐसा सुंदर सी जगह है। मतलब हम तुम्हें वहाँ ना गर्मियों में लेके चलेंगे, क्योंकि अभी सर्दी में जाओगे तो तुम्हें ठंड लगेगी वहाँ पे, क्योंकि पानी पानी है पूरी जगह में, ठीक है। तो अभी हम क्योंकि अभी एक बार वहाँ पे चेक करके आए कि वहाँ कोई खतरा तो नहीं है, ठीक है वंश, ताकि तुम्हारे लिए वहाँ कोई खतरा ना हो, हम चेक करके आ चुके हैं, नेक्स्ट टाइम तुम्हें लेके चलेंगे। हमारा डिनर वगैरह सब हो चुका, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज मीठा खाने बाहर जाया जाए, क्योंकि यहाँ पे ना देहरादून में एक जगह है जहाँ पे कि रात के टाइम गर्म गुलाब जामुन, दूध, ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो जलेबी भी मिलती है, तो इन लोगों को बहुत पसंद है। मैं हर बार थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ खा लेती हूँ, जैसे कि मैं सीधे से पता भी चलता होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं सारे। मुझे एक चीज याद आई। क्या? आपकी मेरी एक शर्त लगी थी। वो तो बहुत पुरानी बात होगी, उसको छोड़ दो। नहीं, वो बात है, वो किसी और ब्लॉग में बताएंगे, वो सस्पेंस है हमारा, वो बाद में किसी और ब्लॉग में बताएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, अगर दूध मिलता है तो ठीक है, वरना घर आने के लिए बच्चों को मारेंगे, ये लोग गेम खेल रहे थे, इनकी वजह से हम लेट हुए हैं। और अगर वहाँ पे वो जो कढ़ाई वाला दूध जो यम्मी बहुत टेस्टी होता है, मैं बहुत पसंद है मेरे को इनको, और कार्तिक को वंश तो वाइट दूध पीता ही नहीं है क्योंकि, तो इस वजह से, तो अगर नहीं मिला ना तो ये पिटेंगे। वाइट दूध नहीं, प्लेन मिल्क। हाँ भाई, प्लेन शुगर तो होती है ना, प्लेन का होता है, शुगर होता है, शुगर एंड ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी होता है। तो ठीक है, अभी पहुँचते हैं, मिलता है तो इनके इनके लिए अच्छा, नहीं मिला तो इनके लिए तो बहुत बुरा होने वाला है। गुलाब जामुन, जलेबी, हमारे इस टाइम भी समोसा खाने के लिए ले लिया है। देखिए या देखिए हमारा गरम गरम दूध, इसके पिताजी के पास भी है, इसके पास भी है, तुम तो समोसा खा रहे हो, दिखाओ समोसा, तुम्हारा झूठे, मेरा रखा हो, मैं भी पीऊँ।